लर्न इज इन स्मार्ट इन द डिक्टेशन स्टार्ट। यदि किसी मामले में मुख्य संपादक को इसी हैसियत से अभियुक्त है तथा उसके विरुद्ध कोई आरोप नहीं लगाया गया है कि उसने मामले के प्रकाशन के चुनाव कोई सहयोग किया था अथवा किसी भी तरह से लेख के प्रकाशन के लिए उत्तरदायी था, ऐसी स्थिति में उसके विरुद्ध आरोप लगाना उचित नहीं। मेखिले बनाम कार्सन के मामले में न्यायालय ने व्यवस्था देते हुए कहा कि कोई व्यक्ति किसी लोक सेवक के आचरण की आलोचना केवल लोक आचरण को छोड़कर उसकी व्यक्तिगत निंदा नहीं करना चाहिए। यह आवश्यक नहीं कि टिप्पणी सत्य हो, बल्कि यह आवश्यक है कि टिप्पणी ग्राह्य होना चाहिए तथा विद्वेषपूर्ण न हो। इस संबंध में विधि यह है कि जब कोई विषय लोकहित का है तो न्यायालय को उसको सोने की तरह परखना नहीं चाहिए, बल्कि लेखक को सत्य बात प्रकाशित करने तथा आवेश की तीव्रता का मौका दिया जाना चाहिए। किसी तथ्य को अतिरंजित रूप से अथवा अधिक अतिरंजित रूप से अभिव्यक्त करने पर यह आवश्यक नहीं कि आलोचना अनुचित है। यदि आलोचना इस प्रकार से की गई है जिसे कोई भी व्यक्ति उस परिस्थिति में इसी तरह करता, श्रीमती ललियानी बनाम आर एल रीना इस याचिका में याचिकी परिवादिनी का अभिकथन था कि वह एक सुंदर महिला है तथा अपने यौवन काल में मिजोरम की सबसे सुंदर लड़कियों में एक थी। मिजोरम की लड़कियां बहुत सुंदर तथा खूबसूरत होती हैं, लेकिन उनकी विशेषता यह कि वह अपनी स्वतंत्रता की सीमा रखती है। नृत्य तथा गान उनकी जीवन शैली का एक महत्वपूर्ण तथा अनोखा ढंग है। लड़के उनके साथ मिल सकते हैं, लेकिन यदि वे उनकी बिना सहमति के शरीर को छू लेते हैं तो वे उनके रीति रिवाज के अनुसार दंडित किए जाते हैं। यह एक वर्जित कार्य है। लड़के लड़कियों का सम्मान करते हैं, इसी प्रकार लड़कियां लड़कों का। मिजोरम गीतों के लिए प्रसिद्ध है। आप संगीत की धुन घाटी तथा पहाड़ी पर सुने तथा वह संगीत आपको मिजोरम से बाहर होने पर भी आपके कानों में सुनाई देती रहेंगी। गीतों का अपना स्थान है तथा गायक व कवि उनको पूर्ण सम्मान देते हैं। वे मिजोरम की संस्कृति का विशेष भाग हैं। लाल जोआ मिजो के सुप्रसिद्ध कवि थे जिन्होंने गीतों की रचना की थी तथा उनके बहुत से प्रशंसक थे, लेकिन दुर्भाग्य से उनकी युवा अवस्था में सन 1945 में मृत्यु हो गई। लाल जोआ की मृत्यु तो हो चुकी थी, लेकिन उनके गीत तथा उत्साह उनकी मृत्यु के 33 वर्ष बाद की मिजो लोगों के मस्तिष्क में छाया रहा। लोग उनके तथा उनके जीवन के बारे में और कुछ जानना चाहते थे। विपक्षी श्री आर एल रीना जो की संस्कृति के शोधकर्ता तथा मिजोरम के अनुभवी थे, प्रसिद्ध कवि के जीवन परिचय को प्रकाशित करने के इच्छुक थे। समय व्यतीत हो जाने के कारण वह उनके संबंध में जानकारी प्राप्त करने में कठिनाइयों का अनुभव कर रहे थे। वह व्यक्ति की तलाश कर रहे थे तथा लाल जोआ की बहन को पा सके। श्रीमती श्याम लियानी वास्तव में लाल जोआ की बहन थी। आश्चर्यजनक बात यह थी कि पारिवादिनी तथा श्रीमती थी। सरदार कर्नेल सिंह गिल बनाम स्टेट ऑफ गुजरात इस याचिका में याची एक बिक्री कर अधिकारी था जिसको निर्देश हुआ था कि वह बोखमपुरा चेक पोस्ट पर कर चोरी की कार्यवाही को व्यवस्थित करें तथा गुजरात में इस चेक पोस्ट से आने वाली ट्रकों की जांच करें। अभिलेखों से यह पता चलता है कि वह वहां गए
तथा क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी के ट्रक संख्या GTX 8317 के कागजों को अपने कब्जे में कर लिया तथा उसकी सूचना उन्होंने 25 नवंबर 1982 को इस जांच की दी। अभिलेखों से यह भी मालूम हुआ कि वह उस समय लोक सेवक की हैसियत से अपने पदीय कर्तव्य का निर्वहन कर रहे थे। याचिका में संलग्न परिवाद से ऐसा प्रतीत होता है कि परिवादी ने भी 25 नवंबर 1982 की घटना का एक परिवाद दायर किया तथा यह आरोप लगाया कि उक्त ट्रक संख्या GTX 8317 को रोका गया तथा याची संख्या एक ने परिवादी को गाली दी तथा कुछ तमाचे मारे तथा याची संख्या दो ने भी ट्रक के ड्राइवर को पहला तमाचा मारा तथा ट्रक के सभी कागज छीन लिए। इस प्रकार उस तथा कथित घटना के आधार पर परिवादी ने याची के विरुद्ध परिवाद दायर किया था। यदि याची भोकमपुरा चेक पोस्ट पर नहीं थे तो यह तथा कथित अपराध उन्होंने कारित नहीं किया, लेकिन वह लोग उच्च अधिकारियों के निर्देश पर घटनास्थल पर मौजूद थे तथा पदीय कर्तव्य का निर्वाह कर रहे थे। अतः विवादित ट्रक का निस्संदेह उन्होंने जांच पदीय कर्तव्य के निर्वहन के दौरान किया तथा उक्त तथाकथित घटना उसी दिन उसी स्थान पर तथा उसी समय घटित हुई जब याची विवादित ट्रक की जांच कर रहे थे। इस प्रकार शिकायत प्रत्यक्ष रूप से अथवा युक्ति युक्त रूप से याची द्वारा पदीय कर्तव्य के निर्वहन से संबंधित है। परिवादी द्वारा की गई शिकायत याची के पदीय कर्तव्य से इतनी अधिक जुड़ी हुई है कि इन्हें उनसे अलग नहीं किया जा सकता। अतः उनका कार्य उनके पदीय कर्तव्य के निर्वहन के दौरान था अथवा कम से कम पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में कार्य करने का तात्पर्य रखने वाले थे, जिसके फलस्वरूप याची दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 197 के संरक्षण का हकदार है। स्टेट ऑफ केरल बनाम रत्नम्मा फालसी के मामले में केरल उच्च न्यायालय ने उपबंधित किया कि शिकायत में कुछ ऐसी बात होना चाहिए जिससे कि शिकायत को उस व्यक्ति के शासकीय हैसियत से जोड़ा जा सके। लोक सेवक को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 197 का लाभ करने के लिए यह कहना पर्याप्त नहीं कि शिकायत कार्य को उसने पदीय कर्तव्य के निर्वहन अथवा पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में कार्य करने का तात्पर्य रखने वाले थे। विवादित कार्य तथा पदीय कर्तव्य के निर्वहन में किए गए कार्य में कुछ संबंध होने चाहिए। ऐसा भी हो सकता है कि लोक सेवक दोषपूर्ण अथवा उपेक्षापूर्ण कार्य अपने पदीय कर्तव्य का निर्वहन कर सकता है अथवा अपने अधिकार से अधिक भी। स्टॉप। धन्यवाद।